मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम शासकीय कन्याशाला में मां सरस्वती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सहलाम, एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजिया बारिया, मीता पवार चंडेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। ADJ मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सहलाम ने बताया कि लोगों के मध्य विधि के संबंध में जो भ्रांतियां होती है उसे दूर करने का उद्देश्य से ही अमृत महोत्सव कार्यक्रम में 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक 35 अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग स्थान पर होंगे, जिसमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा एवं कानूनी जानकारी से जनता को जागृत करने का उद्देश्य रहेगा। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत उत्सव 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 के मध्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य विधिक साक्षरता तथा लोगों के मध्य समन्वय की भावना बनाए जाने के आशा से और लोगों के मध्य विधि के संबंध में जो भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं उस भ्रांतियों को दूर करके न्यायाधीश, पैरालीगल वॉलंटियर्स, एडवोकेट के माध्यम से वहाँ पर शिविर आयोजित कर उन भ्रांतियों को दूर करना ही इसका मूल उद्देश्य है। इस संबंध में विगत 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक के 35 कार्यक्रम आयोजित होने और 35 कार्यक्रमों के में प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें लोगों को सजग करने के आशा से और सभी लोगों को सभी विद्यार्थी अध्यापकगण और इस समाज में प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग प्राप्त करके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल बनाने का प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।